क्या लग रहा है। तो ये व्यू आएगा आपको। तो ये है देखो, इतने सारे फ्लावर लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आके तुम्हारे भाई का दिल गार्डन गार्डन। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो वही कका के बैक इन वीडियो से ब्लॉग। सो क्यों रेडी गाइस, आज का ब्लॉग पूरा मुगल गार्डन के ऊपर बनाएंगे अपन। सो ठीक है, तो कैसे कैसे जो प्रोसेस होगा वो सारा दिखा दूंगा कि कैसे रूट है, क्या क्या नहीं है और कहाँ से एंट्री करनी पड़ती है। एंट्री आपको 35 नंबर गेट से करनी पड़ेगी। टिकट ऑनलाइन बुक करो, फ्री है। एंड मैं अभी मामा के घर आया हूँ, तो यहाँ से तो मेरे को ईजिली पड़ जाएगा, क्योंकि देखो पीछे अपार्टमेंट है सारे लंदन वाली पूरी फुल वाइब्स। और आज ही शादी है बहन की, तो मुगल गार्डन भी घूम लेंगे। एंड दोस्त वहाँ पे जो मेरे हैं, जो पिछले व्लॉग में दिखाया मैंने, उन्होंने भी स्टॉल लगा रखा है, तो वो भी काम वाम कर रहे हैं। फिर वो भी आएंगे शाम को, शादी अटेंड करेंगे। एंड और भी मेरे दोस्त आ रहे हैं मेरे यहाँ से, तो उनको भी घुमाना है, वो भी वीडियो वीडियोज़ बनाएंगे, रील्स बनाएंगे। सो लेट्स गो, बिना बढ़ते हैं वेस्ट करते चलते हैं एंड आपको दिखाते हैं। सो ये राष्ट्रपति भवन संग्रहालय है। सो ये तो मैं अंदर से आ रहा हूँ, तो यहाँ से मेरे को ऐसे दिख रहा है। तो आपको वहाँ से आना पड़ेगा, लाइब्रेरी का गोल चक्कर है, 35 नंबर गेट से एंट्री करके। देखो ये एरोप्लेन खड़ा हुआ, 100 पीस जेट। और टूरिस्ट कितने आ रहे हैं, देखो नेवी का ये जहाज, सारे टूरिस्ट आ रहे हैं। सो ये ऑडिटोरियम है, ठीक है। एंड वो देखो भीड़ लग रही है, लाइन उस साइड पे भीड़ हो रही है ना, बट ये मैं उस साइड से नहीं जाऊंगा, मैं आपको दिखाने के लिए मेरे को घूम के उस साइड से जाना पड़ेगा गोल चक्कर से ही, कि कैसे कैसे क्या होता है। और वहाँ देखो वहाँ तक भीड़ है, वो देखो वहाँ तक भीड़ है, वहाँ से वहाँ तक। और इस साइड मैं इसलिए घूम रहा हूँ क्योंकि भाई मैं अंदर से नहीं तो यहाँ अलाउ नहीं है इतना आगे आना, क्योंकि वहाँ देखो बैरिकेड लगे हुए, रस्सी लगी हुई है, तो स्टाफ से हैं, तो हम इसलिए अंदर घूम रहे हैं इस साइड में। तो इस साइड हम इसलिए घूम रहे हैं, नहीं तो किसी को अलाउ नहीं है आना। अच्छा ये तेरा घर है? महल है, देख लो, महल है, महल में रह रहे हैं। चला जाएंगे। मेरी दीदी भी घूम रही है, आई है। सो इन्होंने मुगल गार्डन घूम लिया, तुमने तो घूम लिया, हम घूमेंगे अब। इनको थोड़ा खाना वाना खिलवाएंगे दीदी को। आज भाई किचन में ये ना हो, और आशीष भाई को स्पीड अब मैं 3 बजे आऊँगा यहाँ पे, क्योंकि अभी भाई भाई नहीं आए हुए, तो ये लंच वंच कर रहे हैं, इनको लंच करवा रहे हैं दीदी दीदी को। शाम के 4 बज रहे हैं, तो अब हम आए हैं सारे भाई भाई, देखो सारे भाई भाई और भी निकलेंगे साथ में है, सारे जाएंगे। ये देखो भाई मिले हैं उल्लू से, भाई मिल गए उल्लू वाले से, देखो। सो हम यहाँ से आए हैं पीछे की साइड से, मंदिर से आ रहे हैं ना, बाकी नहीं तो आप बाहर से आओगे तो आपको उस साइड से आना पड़ेगा, 35 नंबर गेट से जो ये एग्जिट कर रहे हैं इस साइड से। सो आपको यहाँ से एंट्री करनी पड़ेगी, ये 35 नंबर गेट है। अगर आप यहाँ से आओगे तो नॉर्थ एवेन्यू लगता है। सो यहाँ से आप एंट्री करोगे और इस साइड की साइड में आओगे और इस साइड से जाओगे, तो ये बंदे घूम घूम के आ गए अंदर से, तो ये एग्जिट कर रहे हैं और हम अभी घूमने जा रहे हैं, क्योंकि डे लाइट हो गया। मैंने जैसे बोला था डे लाइट में सही आएगी वीडियो फोटोज, सो लेट्स गो चलते हैं। सो इस साइड पर आके देखो, ये आगे जा रहा है जो रास्ता जा रहा है। सो यहाँ से आप एंट्री करोगे आगे से जाके, देख सकते हो और काफ़ी भीड़ है, काफ़ी क्राउड आता है, रोजाना आता है। मार्सक और खुला हुआ है, ये लाइब्रेरी का गोल चक्कर है। अपना पूरा बचपन ही यहाँ पे बीता हुआ है राष्ट्रपति भवन के अंदर, तो ये बाल वाटिका में बहुत खेला मैं, मेरा भाई, मेरी जो बहन की शादी हो रही है वो, हम बहुत सब खेले हैं। और पहले एंट्री यहाँ से होती थी इस वाले रोड से, तो यहाँ से अब बंद हो चुकी है, आगे से होती है। सो एंट्री हो चुकी है यहाँ से, देखो ये एंट्री थी, यहाँ से एंट्री हमने कर ली है। और मेरा ये देखो क्या व्यू आ रहा है, कितना बढ़िया व्यू है, देखो वो फुहारे लगे हैं उस साइड पे। तो पूरा क्लियर व्लॉग पूरा क्लियर बनाएंगे, एक एक चीज़ जो दिखेगी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को सारा। तो लाइक करना, बने रहना चैनल पे, और देख सकते हो कितना अच्छा है। सो मैं बचपन में आया था यहाँ पे, 2009 में आया था, हैं। और जब मैं दुमकराम सर से मिला था, जो लेजेंड है, साइंटिस्ट हैं और प्रेजिडेंट रह चुके हैं इंडिया के, तो उनसे मिला था मैं।
तो उस टाइम पे फोटो वोटो खिंचवाई थी, सेकंड किया था, बहुत अच्छा नेचर था भाई उस टाइम पे उनको, वो बच्चों के साथ खेलते थे, इधर बोलते ना पंडित जवाहरलाल खेलते थे वैसे ही। तो ये अमृत उद्यान का पूरा लोगो लगा हुआ है, तो पुरानी यादें पूरी ताज़ा हो चुकी है, अब नहीं देख सकते हो। मैंने कहीं बाबू भाई, ये हमारा भाई छोटा भाई सरवन अपना, सारे हमारे यहीं के ही हैं, ये दोस्त यार आए थे वीडियो शूट करने के लिए, मैंने मुगल गार्डन पे घुमा दिया इनको। फाउंटेन है देखो, सुंदर सुंदर फाउंटेन हुए हुए, और जो साउंड है उसका वो देखो, ये फाउंटेन देखो, ये जो साउंड चल रहा है उसके दम पे ही ये ऊपर आ रहे हैं और नीचे जा रहे हैं साउंड के उसके, तो ऐसा कुछ साइंटिफिक सोचा है यहाँ पे जो चल रहा है सही है। और ये सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं, पूरा हरियाली, बहुत भीड़ है। तो भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा है, और इतने टाइम बाद मैं ब्लॉग स्टार्ट मैंने ब्लॉग कर रहा हूँ, मतलब कि मुझे खुद मज़ा आ रहा है। देखो हुए हुए सूरज की रोशनी पड़ रही है फेस पे, और पीछे का व्यू जो रास्पिडियन दिख रहा है, हुए हुए एक नंबर है भाई, एक नंबर। रास्पिडियन म्यूजिकल गार्डन देख रहे हो, म्यूजिकल के उस पर ही चल रही है, जो मैंने आपको बताया कि जो फुहारे चल रहे हैं तो म्यूजिक के ऊपर में चल रहे हैं सारे के सारे। देखो क्या म्यूजिक आ रहा है। तो आप नीचे से आओगे ना ये स्ट्रेट चढ़ के, सामने आपको ये दिखेगा पूरा, देखो रास्पिडियन पूरा पूरा, ये रहा क्या लग रहा है ना, तो ये व्यू आएगा आपको देखो चारों तरफ। कोई नहीं ना, अरे कोई नहीं, अरे कोई नहीं, लाइक करना, ढोकना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों में जाके, ठीक है ना, चलो और फाउंटेन दिखाओ भाई, फाउंटेन चेक करो, फाउंटेन देखो ये नंबर फाउंटेन आ रहा है। ये फाउंटेन है, इसमें मैं तैरता हूँ काके, मम्मी काके इसको तो देख ब्लॉग में क्या कह रहा है, मैं फाउंटेन है, मैं इसमें तैरता हूँ। चलो ऐसे जा, ऐसे जा, ऐसे जा, यहाँ फोटो खींचेंगे। बाबू भाई को कुछ मिल गया यहाँ पे, बाबू भाई को खजाना मिल गया, मशीन बाबू भाई को देखो, बाबू भाई को कुछ मिल गया, बता दो बाबू भाई को खजाना मिल गया, बाबू भाई खजाना ढूंढ रहे, देखो अब टाट गुजारे, मजा आ गया, कुछ भी दोस्त एक नंबर व्यू है भाई, सारे दोस्तों को बुला लिया मैंने, उठा के अपने रिलेटिव बुला लिया मैंने, अपने भाइयों के साथ में मौज कर रहा हूँ, देखो व्यू देखो यार, ये देखो, ये देखो क्या व्यू आ रहा है, मशीन से मौज कर दी, क्या मजा आ रहे भाई। सो फाइनली बस हमने पूरा घूम लिया मुगल गार्डन, मतलब अमृत उद्यान, और अब हम एग्जिट होने वाले हैं यहाँ से, सो आगे निकलते हैं यहाँ से, देखो
सो अब यहाँ से निकलते हैं करेंगे। दो रील शूट करी, फोटोज बहुत खिंचवाई मैंने, भाइयों की भी खींची, दोस्तों की भी खींची, काफ़ी खींच एंड फुल इंजॉय हो गया। तो इससे आ गया तो फाइनली ब्लॉग में यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा भाई, चलो आईफोन वाला वन प्लस तो आपको अच्छा लगा होगा ये ब्लॉग। तो भीड़ बहुत है आगे तक देखो, अब हम एग्जिट कर रहे हैं, भीड़ बहुत है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पूरे मैंने जो मुगल गार्डन की बनाई है। तो ये है देखो, इतने सारे फ्लावर लगे हुए हैं इस साइड पे, ये वाले जो क्या है, एक नंबर व्यू है यहाँ का, देख रहे हो? तो बहुत बढ़िया व्यू आ रहा है, देखो ये फ्लावर्स है ना ये। तो लेट्स गो, चलते हैं, एग्जिट हो रहे हैं हम, बाबू आई इन द हाउस। तो आई बहुत ही मजा आया, बहुत ही मजा आया इस वाले ब्लॉग में, आपको भी अच्छा, आपको भी आई होप मजा आया होगा। और अब इसके बाद सारी अटेंड करनी है यहाँ से, एक जन से मिल गया अभी यहाँ से, बहुत फाइनली ठोकर खाने के बाद जो भी सब कुछ बनाने के बाद आ गए हम यहाँ अभी, यहाँ से ये ब्लॉग एंड होगा और यहाँ से फिर शादी का ब्लॉग स्टार्ट होगा भाई। अच्छा बोला, चलते हैं अब ये ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ मैं, ठीक है ना? यहाँ से ब्लॉग एंड होगा और नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट होगा शादी का, ठीक है?